सुसमाचार आखिर क्या है? ये सब कुछ परमेश्वर से शुरू होता है। शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाए। परमेश्वर ने पहला व्यक्ति आदम और स्त्री हवा बनाई ताकि वो बगीचे का ध्यान रखें। वो बगीचे के सारे फलों को खा सकते थे, लेकिन सिर्फ ज्ञान और बुद्धि के फल नहीं। पूरी तरह से सब कुछ अच्छा था पृथ्वी के साथ, एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ भी। जब उन्होंने परमेश्वर का विरोध करके उस ज्ञान और बुद्धि के फल को खाया और ये पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरियां ले आया। इंसानों ने हमेशा अपने और परमेश्वर के बीच आई दूरी को मिटाने का प्रयास किया है अपनी सामर्थ्य से। ये नैतिक नियम बनाकर अच्छा इंसान बनने के द्वारा या पुराने नियम में बाबुल की मीनार बनाकर परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंचने का खुद का प्रयास हो। और अपने समय में इसका एक अच्छा उदाहरण मिलता है जब रूस ने 1961 में अंतरिक्ष में एक यान भेजा। लौटने पर उस अंतरिक्ष यात्री ने कहा कि हम अंतरिक्ष होकर आए हैं और हमें ना ही स्वर्ग ना परमेश्वर का कोई चिन्ह मिला। एक प्रसिद्ध प्रोफेसर और लेखक सीएस लुईस ने अपने जवाब में उस अंतरिक्ष यात्री को कहा कि परमेश्वर को उसके बाहरी अंतरिक्ष में ढूंढना ऐसा है जैसे शेक्सपियर को उसके घर की छत के बिल्कुल ऊपर ढूंढना। इसके लिए तो शेक्सपियर को अपने किसी नाटक में अपना ही एक चरित्र बनाकर लिखना होगा, और यही तो सुसमाचार है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। सुसमाचार परमेश्वर का अपने बारे में इतिहास में लिखना है। करीब 2000 साल पहले भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए यीशु मसीह ने जन्म लिया कुंवारी गर्भवती से। जब वो बच्चे थे तब भी उन्होंने पाप रहित जीवन जिया और 30 की उम्र तक उन्होंने सेवा शुरू की और बहुत से चेले बनाए। 3.5 साल तक यीशु ने चंगा किया, लोगों को सिखाया और अपने बारे में ये दावा किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है और एकमात्र स्वर्ग तक जाने का रास्ता है। और ये बात उस समय के धर्मगुरुओं को पसंद नहीं आई। उन्होंने दंगा किया और यीशु को झूठे आरोपों में फंसाकर मारने की कोशिश की। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो वो हमारी जगह थे और उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया था, और परमेश्वर ने उसे जो पाप को जानता भी नहीं था हमारे लिए ठहराया और हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। मरने के बाद उन्होंने यीशु को क्रूस से उतारा और एक कब्र में रखा। उस कब्र के ऊपर उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया ताकि कोई भी अंदर या बाहर ना जा सके। दरवाजे पर रोमन सिपाही पहरा दे रहे थे और तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और यही तो भविष्यवाणियों में लिखा था। कई लोगों को दर्शन देने के बाद गवाह बनाकर और कई सारे निर्देश देकर यीशु मसीह स्वर्ग में वापस चढ़ गए और पिता के दाहिने हाथ सिंहासन पर बैठ गए, और वहां वो हमारी यानी विश्वासियों के वकील की तरह हैं। इन बातों का आपसे क्या लेना देना है? बाइबल बताती है कि हम सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर से रहित हैं। बाइबल कहती है पापों की मजदूरी के कारण आपको मृत्यु आएगी, लेकिन मसीह में परमेश्वर का वरदान हमेशा का जीवन है। अपने पापों का बोझ उतारने का हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। परमेश्वर ने हर स्थान के लोगों को यीशु पर विश्वास करने, पश्चाताप करने और यीशु पर भरोसा रखने के लिए बुलाया है। पीछे मुड़कर हम पाएं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। क्रूस पर मारे जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। हम पापों से पश्चाताप करके, पापों से मुंह मोड़कर हम यीशु पर भरोसा रखें, तब हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाएगा और हमें पापों की क्षमा प्राप्त होगी। आइए फिर से देखते हैं। ये सब परमेश्वर से शुरू हुआ। हमारे ही पापों के कारण परमेश्वर हमसे अलग हो गए, और सुसमाचार परमेश्वर का मानव इतिहास में अपने आप को दर्ज कराना है। यीशु हमारे पापों के लिए मरे, गाड़े गए और जीवित हो उठे। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और यीशु पर भरोसा रखते हैं नए जीवन के लिए, तो हमें परमेश्वर से शांति प्राप्त होती है, और यही तो सुसमाचार है।